तो भाई साहब गूगल अपना बहुत तकड़ा अपडेट लेकर आ गया है। ये उसकी एक पॉलिसी है जिस पॉलिसी के तहत वो बहुत सारे ईमेल अकाउंट डिलीट करने वाला है। और भाई साहब आपके अकाउंट के साथ साथ उसके ऊपर जितना भी आपका कंटेंट होगा, डाटा होगा, वो भी सब कुछ डिलीट हो जाएगा। और आपने उस ईमेल अकाउंट से जिस एप्लीकेशन या जहां जहां पर भी उसको लॉग इन करा होगा, वो सारी कुछ चीज डिलीट हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। आप अपना ईमेल अकाउंट, अपना गूगल अकाउंट या अपने उस डाटा को कैसे बचा सकते हैं डिलीट होने से, सारी चीजें इस वीडियो में फुल डिटेल में बताने वाला हूं। तो चलिए जान लेते हैं कौन सी चीज है वो। तो ये है गूगल की अपनी खुद की पॉलिसी। तो आप यहाँ पर आ जाइए, आप यहाँ पर देख सकते हैं इनएक्टिव गूगल अकाउंट पॉलिसी के तहत। तो आपका जो जीमेल अकाउंट है और उसका पासवर्ड है, अपने सेम गूगल अकाउंट और सेम पासवर्ड से अगर आपने अपना गूगल अकाउंट, जीमेल आईडी और आपने यूट्यूब वगैरह पे सभी पे लॉग इन किया हुआ है, तो उस पर जितना भी आपका डाटा या जितना भी कॉन्टेंट आपका उस पर अपलोड होगा, सारा कुछ डिलीट हो जाएगा, इतना सा भी नहीं बचेगा। ध्यान रखना, ये जो उसके प्रोडक्ट है अपने यूट्यूब वगैरह, गूगल मैप वगैरह, उन सभी को लेकर के, उनकी सिक्योरिटी को लेकर के ये जो पॉलिसी है ये गूगल लेकर आया है। तो गूगल का कहना है कि गूगल आपके लिए आपकी सिक्योरिटी का ध्यान में रखते हुए ये चीजें लाता है और उस पर अपना टाइम स्पेंड करता है, अपना पैसा स्पेंड करता है। वो किस लिए? आपकी सिक्योरिटी, लाइक स्पैम से बचाने के लिए, फिशिंग स्कैम से बचाने के लिए और अकाउंट हाईजैकिंग के लिए, जितने भी उसकी सर्विसेज हैं सभी पे प्रोटेक्शन रखने के लिए गूगल करने क्या वाला है। यहाँ पर जो अकाउंट 2 साल से ज्यादा हो गए उनको बनेंगे, गूगल अकाउंट की जो गूगल की आईडी है आपने बना दी है और फिर उसकी तरफ मुड़के नहीं देखा है, मतलब आपने एक बार गूगल अकाउंट बना दिया फिर लॉगिन नहीं किया, गूगल अकाउंट बनाया और छोड़ दिया आपने, फिर उसके बाद जहां भी वो लॉगिन किया हो, लॉगिन करने के बाद आपको 2 साल अगर 1 दिसंबर से पहले पहले हो जाते हैं तो फिर गूगल आपका वो अकाउंट डिलीट कर देगा। और सिर्फ वो अकाउंट डिलीट नहीं होगा, उस सेम अकाउंट और उस सेम पासवर्ड से आपने जिस जिस प्लेटफॉर्म पे जिस जिस जगह भी लॉगिन किया हुआ है वो सारे अकाउंट डिलीट हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, जितना भी डाटा आपने उस प्लेटफॉर्म पे अपलोड किया हुआ है, चाहे वो वीडियो है चाहे फोटो है, जितना भी आपने डाटा अपलोड किया हुआ है वो सारा डिलीट हो जाएगा। इतना ही नहीं, गूगल अपनी सर्विस जीमेल, डॉक्यूमेंट, गूगल ड्राइव, गूगल मीट, कैलेंडर, सारा कुछ, उसके ऊपर जितना भी डाटा पड़ा हुआ है वो भी डिलीट हो सकता है। तो जो उसके अपने प्रोडक्ट है उस पर से भी वो सारा कुछ डिलीट हो सकता है। तो फिगर नोट आपको बताता हूँ कि कैसे आप बचा सकते हैं अपना कोई भी अकाउंट डिलीट होने से या इनएक्टिव होने से। तो आप बात कर लेते हैं कि अपना अकाउंट कैसे बचाए। तो सबसे पहले तो भाई साहब उस ईमेल आईडी को लॉगिन करने के बाद आपको वो ईमेल आईडी स्टेप वेरिफिकेशन वेरीफाइड कर, सेकंड नंबर, तो जब आप लॉगिन हो जाएंगे तो आप किसी ईमेल को एक बार रीड कर लीजिए या किसी को ईमेल सेंड कर दीजिए, ये एक तरीका है। अगले तरीके की बात करें तो आप उसका जो गूगल ड्राइव है वो यूज कर सकते हैं, मतलब गूगल ड्राइव पे कोई फोटो वगैरह या कोई इमेज वगैरह उस पर अपलोड कर सकते हैं, या वहां पर कोई पहले से अपलोड है तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी एक यूज हो गया। नेक्स्ट यूज है आप उस ईमेल आईडी से यूट्यूब पे लॉगिन कर लीजिए और फिर यूट्यूब पर मेरी वीडियो देखिए या किसी की भी वीडियो देखिए, एक वीडियो देख लीजिए। फिर अगले तरीके की बात करते हैं कि आप गूगल प्ले स्टोर पर उस ईमेल आईडी को सिलेक्ट करके और उस ईमेल आईडी से कोई एप्लीकेशन, कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए या किसी एप्लीकेशन को अपडेट कर दीजिए वहां से। अगले तरीके की बात करें तो आप गूगल सर्च का भी यूज कर सकते हैं, मतलब उस गूगल पर कुछ भी सर्च कर लीजिए तब भी वो सर्च की हिस्ट्री में आ जाएगा। और बात करें अगले तरीके की, आप किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में, थर्ड पार्टी वेबसाइट में उस ईमेल आईडी से लॉगिन कर सकते हैं। तो भाई साहब इतने सारे तरीके बता चुका हूँ आपके, कैसे आप गूगल की तरफ से अपना अकाउंट डिलीट होने से बचा सकते हैं, अपने डाटा डिलीट होने से बचा सकते हैं, अपने अकाउंट को एक्टिव रख सकते हैं, तो आपका अकाउंट जो है वो बिल्कुल सेफ रहेगा, डिलीट नहीं होगा। और आपको इनएक्टिव गूगल अकाउंट पॉलिसी का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर के इसको और डिटेल में जान सकते हैं इसके बारे में। तो ये वीडियो अगर आपको इतनी सी भी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर काम की नहीं लगी हो तो डिसलाइक कर देना। और भाई साहब अपने दिल की बात कमेंट में जरूर बताना, और हाँ यार सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार, पसीना आ चुका है, इतनी गर्मी में आपके लिए बैठ के वीडियो बनाते हैं। लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, बता दिया करो और क्या इम्प्रूव करना है अपनी वीडियो के अंदर, ताकि अगली वीडियो और भी अच्छे से आपको मैं दे सकूं। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।